तन खाली करूंगा जब तक पूरा समझौता नहीं होगा भारत सरकार से। नहीं नहीं, मैं मेरी अपील ये है आपसे, नहीं नहीं नहीं, मैं आप कोई विश्वास नहीं रहा, यहाँ पर पानी नहीं है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करके उनके दिल्ली के क्षेत्र में पानी और टॉयलेट मैंने वहां से मंगा ली। आप मुझे कोई सहयोग ना आप दे रहे, पानी हटा लिया, बिजली हटा ली, टॉयलेट हटा ली। किसान लीडर राकेश टिकैता है, वीडियो सोशल मीडिया से लगातार वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि इस वीडियो दे विच राकेश टिकैत यूपी दे सीएम योगी आदित्यनाथ दे नाल फोन ते गल कर रहे ने, पर हुण इस वीडियो दी असल सच्चाई सामने आ चुकी है। सब तो पहला तुसी नजर पाओ इस वीडियो दे उपर। तन खाली करूंगा जब तक पूरा समझौता नहीं होगा भारत सरकार से। नहीं नहीं, मैं मेरी अपील ये है आपसे, नहीं नहीं नहीं, मैं आप कोई विश्वास नहीं रहा, यहाँ पर पानी नहीं है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करके उनके दिल्ली के क्षेत्र में पानी और टॉयलेट मैंने वहां से मंगा ली। आप मुझे कोई सहयोग ना आप दे रहे, पानी हटा लिया, बिजली हटा ली, टॉयलेट हटा ली। इतनी बड़ी गलत, मैंने बहुत विश्वास अधिकारियों पर मुख्यमंत्री पर करा, ये गलत चीज थी, गलत चीज थी। मतलब 500 लोग से लठू से मेरे लोगों को पिटवाओगे आप? वे किसान मैंने बुलवाए जो ट्रैक्टर बुलवाए, मैंने सम्मान नहीं नहीं, गलत चीज नहीं। मैं आपने कह रहा था, मैं गिरफ्तारी दे रहा था अपने 200 300 400 लोग जो मेरे साथ जाते, मैं गिरफ्तारी दे रहा था अपनी, लेकिन मेरे लोग जो एक मीडिया चैनल वालों इस वीडियो नू लगातार प्रचारिया गया ते सोशल मीडिया ते भी काफी वायरल किया गया, जिस दे विच क्या कि राकेश टिकैत योगी आदित्यनाथ दे नाल फोन ते गल कर रहे ने, ते इस वीडियो तो खूब टीआरपी भी बटोरी। पर हुण राकेश टिकैत ने इस वीडियो दे बारे खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि यह फोन कॉल योगी आदित्यनाथ नू नहीं बल्कि इत्थे प्रशासन के अधिकारियों नाल फोन कॉल हो रही थी। नहीं नहीं, वो गलत तरीके का वो कर गया, वो यहाँ के अधिकारी का फोन था और उसको हम कह रहे थे कि हमारी जो सुविधाएं हैं आप दो, वो किसने गलत वो करके योगी जी का फोन वो लगा के जब उन्होंने वो कराया, योगी जी से बात करें। संगठन अभी 40 ही हैं या अभी ऊपर या नीचे कुछ बात करेंगे? क्योंकि देखिए संगठन को लेकर बीच में एक तरह की खबरें आई थी कि कुछ वापस ले चुके हैं, हालांकि फिर वापस वो जुड़ते चले गए, तो क्या बढ़ गए हैं या घट गए हैं संगठन? कितने संगठन बात कर रहे हैं सरकार? नहीं, बात तो 40 लोगों की कमेटी है, उसमें कर रहे हैं बातचीत, उसमें कर रहे हैं, वो पूरा जो कमेटी वहाँ की है वो तय करेगी। उसमें सूत्र बता रहे हैं कि मोदी जी से आपकी सीधी बातचीत हो रही है फोन से। फोन कहाँ है, वो फोन नंबर तो हम तलाश कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि फोन पर बात कर ले, वो फोन नंबर सार्वजनिक कर दिया जा, हम भी कर लेंगे।